एपिसोड शुरू होता है और यहाँ प्रोफेसर वेलकम पार्टी कर रही होती है नए मेंबर्स के लिए, और यहाँ हारोटो की कॉपी बैठा हुआ होता है और पॉलकस इसे घूर रहा होता है। हारोटो की कॉपी कहता है, क्या हुआ? पॉलकस बोलता है, कुछ भी नहीं, बस मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। हारोटो की कॉपी कहता है, वो कैसे? पॉलकस बोलता है कि कैसे हम दोनों हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हारोटो की कॉपी कहता है, आप तो हमेशा प्रोफेसर टियर के साथ रहते हो ना? ये कहते हैं, हाँ वैसे मैं ल्यूसेनियल हाउसहोल्ड में पढ़ाया करता था। हारोटो की कॉपी बोलता है, आप प्रोफेसर टियर के टीचर थे? ये कहते हैं, हाँ ये बचपन से ऐसी ही थी, ये काफ़ी होशियार थी जो हर बार मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उभर के आती थी, हर चीज़ में नॉलेज इकट्ठा करती रहती थी और ऐसे ही इसे सक्सेस मिलती रही एक्सपेरिमेंट करते करते। और जब घर पे उसने सब कुछ कर लिया तब वो एकेडमी में आई। वेल, उसे मेरी टीचिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, ये सच में एक जीनियस है, इसने काफ़ी स्पेल्स डेवलप करे हैं और लोग कहते हैं कि ये सबसे डिजर्विंग है सेज के टाइटल के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसने एंशिएंट मैजिक क्यों चुना, एक लॉस्ट ब्रांच मैजिक की जो किसी काम की भी नहीं है। और इसके बाद ये सैड हो जाते हैं। तभी एरिस आती है और हारोटो के ऊपर फैल जाती है। इसने काफ़ी पी ली होती है और बोलने लगती है, थैंक्स मुझे ज्वाइन करने के लिए इस लैब में, मैं यहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हूँ। और हारोटो के होश उड़े हुए होते हैं। तभी ये यहाँ पर बैठे बैठे ही सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हारोटो की कॉपी इसे सुला देता है। तभी प्रोफेसर आके कहती है, क्या तुम्हें पता है इसने एंशिएंट मैजिक लैब क्यों चुनी? हारोटो की कॉपी बोलता है, नहीं। ये कहती है, इसका माना असेसमेंट के दौरान मुझे पता चला कि इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, ये काफ़ी रेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका माना लेवल सिर्फ 5 out of 35 है, ये काफ़ी कम है। शायद तभी इसने एंशिएंट मैजिक चूज़ करा क्योंकि एंशिएंट मैजिक के एंसेस्टर्स 100 लेवल के हुआ करते थे, शायद ये भी स्ट्रांग बन सके। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ न्यू रिसर्च के लिए। और प्रोफेसर भी सो जाती है और पॉलकस भी सो गया होता है। नेक्स्ट सीन में स्नैडल बोल रहा होता है, कल तक स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि मैंने हारोटो के साथ होने वाली लड़ाई कैंसिल कर दी। चर्च ऑफ लूसीफायरा का साथ देने के बाद मैंने सोचा था फादर किंग बन जाएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सभी प्लान्स में पानी फिर जाएगा। हाफ एन हाउस स्पेशल असॉल्ट यूनिट, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मिशन क्या है? हारोटो ज़ेनफिस और बाकी तीनों को मार दो आज रात। अब ये सभी पहुंच जाते हैं हारोटो की कॉपी के पास और ये लोग 20 होते हैं और ये 20 लोग मिलकर अब एक साथ अंदर जाने लगते हैं। इन सभी को सोता हुआ देख के ये अंदर अटैक करने का सोचते हैं। तभी बैरियर से टकरा कर नीचे गिर जाता है एक बंदा और अब ये चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ बैरियर है। ये बंदा इस पर चाकू मारता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ एक डोर आता है। ये बंदा कहता है, मैंने लॉर्ड स्नैडल से सुना था कि हारोटो ज़ेनफिस के क्लोज एक पर्सन है शिवा नाम का, जो अजीब मैजिक यूज़ करता है। तभी ये बंदा गेट खोलता है और हारोटो इसे अंदर खींच लेता है। ये सब इस डोर को तोड़ने के लिए इस पर अटैक करते हैं लेकिन ये सभी अटैक्स हारोटो अंदर ले लेता है और सभी हैरान होते हैं। और तभी यहाँ काफ़ी सारे डोर्स आ जाते हैं और एक एक करके सबको हारोटो अंदर खींचते जाता है। इनका कैप्टन अपना पता करने लगता है कि शिवा कहाँ पर है और तभी कहता है, वहाँ, और इधर अटैक कर देता है और ये जाके सीधे शिवा के लगता है। ये नीचे गिरता है। तभी दूसरे गेट से एक और शिवा बाहर आता है, ये इस पे भी अटैक करता है और ये भी नीचे गिर जाता है। तभी बहुत सारे शिवा बाहर आ जाते हैं, ये देख के ये हैरान हो जाता है। तभी एक बंदा कहता है, कैप्टन ये देखो, और ये शिवा की ड्रेस में इनके ही आदमी होते हैं। तभी यहाँ पर असली शिवा आ जाता है, ये इस पे अटैक करने लगता है लेकिन हारोटो इनकी मूवमेंट से रोक देता है और कहता है, टाइम आ गया है मुँह खोलने का। नेक्स्ट सीन में हारोटो इन सभी को स्नैडल के पास ले जाके कहता है, इन्हें तुमने ही ऑर्डर्स दिए थे ना? ये कहता है, नहीं मैं इन्हें जानता तक नहीं। हारोटो तभी इसे इसी की वीडियो दिखाता है। ये कहता है, ये कैसा स्पेल है, इसमें पास्ट कैसे दिख सकता है? हारोटो कहता है, लगता है तुम्हें असली पनिशमेंट की ज़रूरत है। स्नैडल बोलता है, क्या तुम मुझे मार दोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं स्नैडल हाफेन हूँ जो कि किंग बनेगा, और अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है कुछ और एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और ये हारोटो को मुक्का मार के बाहर फेंक देता है। तभी इसे शार्लेट का कॉल आता है। हारोटो कहता है, तुम्हें इस वक्त सो जाना चाहिए। शार्लेट कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ कर रहे हो। हारोटो कहता है, मैं एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ। ये कहती है, वो किस तरीके का मॉन्स्टर है? हारोटो बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट करके एक ह्यूमन को इसमें बदल दिया है। शार्लेट बोलती है, क्या कोई तरीका है उसे बचाने का? हारोटो कहता है, हाँ सोचने दो, और मन में बोलता है, शार के लिए करना ही पड़ेगा।
और अब हारुटो इससे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते कहता है, वेल ये गिगान से भी ज़्यादा ताकतवर है, और अब इस पर हमला करता है, लेकिन यह हारुटो को ही दबा देता है। हारुटो इसके हाथों पर अपना बैरियर मैजिक यूज़ करके इसे रोक देता है। ये खुद को छुड़ाने के लिए अपना ही हाथ तोड़ देता है, लेकिन फिर से रीजनरेट कर लेता है अपने हाथ को। हारुटो कहता है, इससे कैसे निपटूँ अब। तभी शार्लेट बोलती है, इस मॉन्स्टर में अजीब बात है एक, लगता है ये छोटा हो गया है थोड़ा पहले से। हारुटो बोलता है, तो अगर हम इसके पार्ट्स को तोड़ दें तो ये छोटा हो जाएगा। चलो पूरी ताकत इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। और ये देख के शार्लेट कहती है, एक न्यू स्पेशल अटैक। और अब हारुटो इसके सभी पार्ट्स को काटने लगता है और फाइनली स्नाइडल वापस पहले जैसा हो जाता है। हारुटो कहता है, श्यार थैंक यू, और अब श्यार इसे गुड नाइट कह के चले जाती है। तभी हारुटो नीचे आके इससे बोलने जा रहा होता है कि तभी ये अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और यहाँ से भाग जाता है। हारुटो बोलता है, लगता है अभी बात करने की हालत में नहीं है ये, मुझे वो सिरिंज ले लेनी चाहिए जो इसने यूज़ करा। चलो मेंशन ठीक कर देता हूँ और फिर सोने जाता हूँ। नेक्स्ट दिन में हारुटो को कॉपी उठता है और खिड़की खोल के कहता है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और तुम्हारा क्या। हारुटो बगल से कहता है, मैं तुम ही हूँ तो मैं भी सेम फील करता हूँ। वेट, तुम इस सब से गुजरे हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है। इसकी कॉपी ब्लश करने लगता है। हारुटो कहता है, समझ गया तुम बदल रहे हो। इसकी कॉपी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह हमारी पहले की ज़िंदगी से बेटर लाइफ है। हारुटो कहता है, हाँ सही कहा, हम घर पे ही पड़े रहते थे पहले, लेकिन अब नहीं। एक पॉइंट में हमें पता चला कि किसी के साथ होना इतना भी बुरा नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो सब, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट दिन में फ्ले कैपिटल से रिलेटेड पूछताछ कर रही होती है एक आदमी से, लेकिन ये बोलने की हालत में ही नहीं होता। तभी कुछ लोग फ्ले से कहते, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो दूसरी जगह चलो, हम बताएंगे तुम्हें। फ्ले मान जाती है और इसके बाद ये लोग नीचे गिरे हुए होते हैं पिट के। लीजा आप इनसे पूछने लगती है कैपिटल के बारे में। अब नेक्स्ट दिन में शार्लेट को ये सब बताते हैं और ये कहती है, तो किंग और क्वीन के बीच लड़ाई चल रही है, एरिस्टोक्रेट्स के बीच भी यही हाल है। लगता है मेरी प्रेडिक्शन सही निकली, रॉयल कैपिटल खतरे में है। जॉनी लीजा से बोलता है, दुश्मन काम पे लग गए हैं, आपने देखा ही होगा ना लॉर्ड हारुटो का काम। लेडी शार्लेट एक बार और वीडियो देखते हैं और ये फिर से हारुटो की फाइट की वीडियो चला देती है और कहती है, हारुटो कितना कूल है। फ्ले और जॉनी भी अब तारीफ करने लगते हैं हारुटो की। लीजा कहती है, लगता है हम टॉपिक से अलग आ गए हैं। अब शार्लेट फिर कहने लगती है, बिग ब्रदर के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है, शायद ये किसी हिडन स्टूडेंट काउंसिल के कहने पे ये सब कर रहा है। इंसिडेंट बिग ब्रदर के एकेडमी के जाने के बाद हुआ, इसका मतलब उन्हें बिग ब्रदर के पावर्स के बारे में पता लग गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं कि ये ईविल ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं जो रॉयल कैपिटल तबाह करना चाहती है। फ्ले कहती है, तो क्या हुआ, लॉर्ड हारुटो के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। शार्लेट कहती है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, इससे हमें मुश्किल हो सकती है और इसीलिए अब हमें कुछ करना होगा। पहले हम एकेडमी में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और जो भी ईविल ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। सभी एग्री करते हैं इसकी बात से। लीजा कहती है, हम इसे मीटिंग कहते हैं राउंड टेबल की, हमें अपने ग्रुप के लिए कुछ नाम रखना चाहिए। शार्लेट कहती है, ठीक है हमारे ग्रुप का नाम होगा कैमलॉट। और अब ये सभी तैयार होते हैं अपने प्लान पे काम करने के लिए। ये सब कुछ हारुटो भी देख रहा होता है और हारुटो ये सब देख के कहता है, प्रोफेसर टियर के अकॉर्डिंग ईविल ऑर्गेनाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है और उसमें वो भी इन्वॉल्व है। मुझे अच्छे से नज़र रखनी होगी अब, जिससे शार और बाकी सब सेफली इन्वेस्टिगेट कर सकें, जिससे मैं एक शांति भरी ज़िंदगी जी सकूं। और स्माइल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, ये इस एनिमे का लास्ट एपिसोड था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये एनिमे। और चैनल पर पहली बार टपके हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई लोग, वीडियो देख के चले जाते हो तुम लोग, तो सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।